अभी हमारा सफरनामा जो लुक स्मार्ट न्यूज चैनल का ठहराव जो दुरौंदा हम बिल्कुल मार्केट में खड़े हैं, ये बिल्कुल कटु सत्य है कि जो अभी चुनाव में दुरौंदा टॉप वन पर है, जो भी यहाँ जो कैंडिडेट खड़े हैं आपके कोई किसी से कम नहीं है। और अपने को सभी लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि हम हमारी विजय होगी, लेकिन कब तक, जब तक अगर जनता या जो भी उनको वोटर अगर उनको वोट नहीं देते हैं तो कहना ये उचित अनुचित जो होगा वो तो फैसला के दिन की बात है। आइए हम चलते हैं दुरौंदा के, बहुत माननीय लोग खड़े हैं यहाँ पर, हम कुछ इन लोग से कुछ एक रुझान के रूप से पूछेंगे कि आप लोग का क्या कहना है। जी मेरा नाम अनिल तिवारी है, हम जी बीजेपी किसान मोर्चा के सिवान जिला के हम अध्यक्ष हैं। तिवारी जी, हम कल बताइए जो चुनाव हो जा रहा है, कई कैंडिडेट खड़े हैं, आपको राजद के हैं, आपको प्लस जेडीयू के हैं, सभी अच्छे उम्मीदवार हैं, आप बताइए रुझान बताइए आपके, किसकी जीत होनी, किसकी जीत होगी या क्या होगा, अपना रुझान दीजिए। हम बता रहे हैं नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दो ऐसा गठबंधन है जो कि भविष्य में ये क्षेत्र की जनताओं की काम किए हैं और विकास किए हैं, उन्हीं की जीत होगी। ठीक है, आप बताइए, आप पढ़े लिखे, आप जेंटलमैन हैं, नाम क्या आपका? मनोज कुमार सिंह। आप मनोज जी बताएं कि आप रुझान से क्या लगता है कि कौन कैंडिडेट, केवल स्पेशली आपके इस उपचुनाव में आपका रुझान क्या है? अभी कुछ डिसीजन नहीं लिया गया है, आपका बता सकते हैं आप? हम बोल रहे हैं मतलब कि भाजपा का जो कैंडिडेट है, हाँ, उन्हीं का। अच्छा अच्छा, मतलब कि होगा। अच्छा एक मिनट, अच्छा आप बताए, बुजुर्ग बाबा आप हैं, काफ़ी आप मैच्योर्ड हैं, आप बताएंगे कि आप जो अभी जो चुनाव होगा आपके क्षेत्र में किसकी हवा किधर क्या भारी है, अपना मत दे सकते हैं, आप इशारा कीजिए। अभी तो इस पर कहना नहीं है, यानी अभी इस पर कहना उचित नहीं होगा। चलिए हम चलते हैं, हमारे नौयुवक काफ़ी लोग इधर खड़े हैं आपको, है ना? अच्छा हाँ, एक मिनट, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मंटू कुमार तिवारी है। तिवारी, आप रुझान बताए कि इसमें कौन, क्या संभावना कि कौन से उम्मीदवार जीतेंगे इसमें, अपना तो ब्यास सिंह आगे चल रहे हैं। ब्यास सिंह, ब्यास सिंह का रुझान है जनता में, जनता का रुझान ब्यास सिंह के तौर पर। तो ब्यास सिंह किसी दल से हैं कि निर्दलीय हैं? निर्दलीय हैं। चलिए अच्छा लगा, चलिए बताइए कि आप क्या नाम आपका? धर्मेंद्र कुमार गुप्ता। धर्मेंद्र, बताइए केवल हमको बताइए, केवल जो चुनाव क्षेत्र में जो संभावना रुझान, इशारा कीजिए कि किसका पलड़ा भारी है? अब ये कहना नहीं जा सकता है, आप बताइए किसका पलड़ा, क्या आपको क्या रुझान लगता है आपको? अभी रुझान में देखिए सबसे बड़ी तो चल रहा है यहाँ पर दुरौंदा के अंदर, अभी तक हम लोगों ने यही देखा था कि दो पार्टियों में थी, लेकिन अभी जो बंटवारा तीन पार्टियों में हो रहा है, लेकिन अभी तत्काल के लिए जो है ब्यास सिंह का भी नाम चल रहा है। अच्छा अच्छा, और साहब आप बताइए, आप क्या नाम है आपका? वह संजीव कुमार छोटे सिंह। अच्छा सिंह साहब, बताइए कि आपको रुझान बताइए, आप अभी तो चुनाव, रुझान एनडीए के पक्ष में चुनाव है, एनडीए के पक्ष में चुनाव है, कंप्लीट इंडिया के नरेंद्र मोदी के नाम पर, नीतीश कुमार के कम पर लोग वोट देंगे। आप बताइए, आप बताइए क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको? नीतीश कुमार के पक्ष में वोट होगा यहाँ। आप बोलिए स्मार्ट बॉय, बोलो यंग लड़का, तुम ही लोग पे ना सब कुछ है। नहीं कोई भी जीते, बस देश का भला होना चाहिए। अरे किसी को आप वोट देंगे ना आप इसे? नहीं हम नहीं देंगे। आप बताओ बेटा? जी एनडीए, एनडीए पार्टी। और आप बोलिए तुम? एनडीए का जीत होगा यहाँ से सुनिश्चित, एनडीए की जीत होगा। आप बताइए अपना रुझान। यहाँ पर तो विकास होना चाहिए, कोई भी जीत गए जनता का विकास होना चाहिए, यहाँ दरौंदा का विकास होना चाहिए, कोई निर्दलीय जीते या पार्टी का। आप दलगत बताइए किसका हवा पानी है अभी? तो एनडीए का ही चल रहा है यहाँ पर, एनडीए का हवा है। एनडीए का कौन उम्मीदवार है? एनडीए के उम्मीदवार तो अभी अजय कुमार सिंह है, अजय कुमार सिंह जी है। आप बताइए तुम? हम कहना चाहेंगे यही कि बस जो भी जीते यहाँ पे, यहाँ से बस। नहीं नहीं, हमारा प्रश्न है कि जो उम्मीदवार है आपको, अब नाम नहीं लीजिए, रुझान बताइए अपना। रुझान नहीं बताने कहेंगे कि मतलब काम करना चाहिए अच्छा, और जो बोलते हैं ना कि यहाँ यहाँ से कोई भी हो सही। अच्छा ठीक है, आप बताइए
एक पढ़े लिखे हैं या युवा है आपको, अपना रुझान बताइए कि आप अच्छे अच्छे उम्मीदवार हैं लोग, अपना रुझान दीजिए। यहाँ पे एनडीए का जीत हम तो पहले ही बोल चुके हैं, एनडीए का जीत सुनिश्चित है। आप कब? हम तो देख ही रहे हैं, हम ब्याज सिंह का जिंदाबाद। थैंक यू। तो आपने आप बताइए तो आप चलिए फिर अगले पे आपके दोनों क्षेत्र में हम आगे बढ़ते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुभाष सिंह। सुभाष सिंह साहब बताइए कि अभी जो द्रोंदा में जो नॉमिनेशन हुआ है, आप किस पार्टी के उम्मीदवारों के अच्छा हवा है या क्या है, कुछ अपना मंतव्य दे या रुझान दे सकते हैं आप? हम तो चाहते हैं ये ललटेन जीत जाओ। अच्छा, ललटेन जीत जाए तो ललटेन काहे जीत जाए? हमारा वह अच्छा लगता। आपको वही अच्छा लगता? उम्मीदवार का नाम बता सकते हैं? सिंह उमेश सिंह जी। आप बताए क्या नाम है? मेरा अशरफ अहमद। अच्छा, अशरफ अहमद से बताइए कि आपको आपका रुझान किधर है? राजद के तरफ। आप बताइए बेटा। जी सर, सेम राजद के तरफ। उमेश सिंह राजद के तरफ। आप बताइए तो राजद की तरफ। उम्मीदवार का क्या नाम है? उमेश सिंह। आप बताइए तो लड़ाई उमेश सिंह से ही है। उमेश सिंह बनाम किससे है? निर्दलीय से है। उनका नाम बोले निर्दलीय को नाम बोले? ब्यास सिंह है। ब्यास सिंह। हाँ। आप बताइए तो सही बात यह है कि अजय बाबू ने कुछ काम किया नहीं है, इसलिए उमर अभी सीट चेंज होने वाला है, आरजेडी को ही जाएगा। और सही की बताए हैं, कंपोजिशन ब्यास सिंह से ही है। अच्छा अच्छा जी, उमेश सिंह ही उनके पक्ष में ही सारे लोग हैं, आरजेडी के पक्ष में ही। आरजेडी पक्ष जी जी। अजय सिंह लड़ाई में नहीं है। अजय सिंह अभी नहीं है फिलहाल। अब सीधी बात, नीतीश का जो काम हुआ है दरोंदा में, आप बताइए एक मिनट। अच्छा अच्छा, आप बोलिए ना, फिर बोल दीजिए। हाँ, वही राजद का राजद उमेश सिंह। हाँ, उमेश सिंह। हाँ, आप बताइए तो। हाँ, उमेश सिंह। उमेश सिंह। आप बोलो तो। उमेश सिंह बोल चुके। चलिए हम अगले, एक मिनट। ब्यास जी। ब्यास जी। ब्याज जी, ब्याज जी किस दल से हैं? निर्दलीय। निर्दलीय हैं। तो चलिए, हमने ये आपको धोंदा में जो हमने वेरीफाई किया, रुझान लिया लोगों के बीच में, तो चूंकि अभी तो चुनाव अभी तो बाकी है, प्रचार होगा, प्रसार होगा, सभी उम्मीदवार अपना दावा पेश करेंगे कि हम जीतेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ जो लड़ाई जो 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 चौक पर जो हमको दिखाई पड़ा, आपको राजद के तरफ लोगों का कुछ इशारा होता है आपको कि जीत सकते हैं, और आपको एनडीए के तरफ ऐसी बात नहीं कि कुछ लोगों का एक निर्दलीय ब्यास सिंह की तरफ भी काफ़ी लोग दबे, जवान से लोग बोल रहे हैं। अब समय बताएगा कौन जीतेगा, फिर अगले हम सफरनामा पर अगला चौक होगा। नमस्कार।